हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी 14 पेपर के हवाले से रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे कुल मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये ज़रूरी नहीं है कि 14 पेपर के हवाले से हो, उसके बाद के दिनों के लिए भी ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं। सो आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो कार्मा है, तो यहाँ पे मेजर रिकन्सिलिएशन हो रही है किसी पर्सन से। लाइक अगर आपका किसी पर्सन के साथ ब्रेकअप है तो 14 फरवरी वाले दिन आपके लिए मेजर रिकन्सिलिएशन वाली सिचुएशन हो सकती है। या फिर कोई चीज़, अगर आप सिंगल भी हैं तो आपके मोहब्बत करने वाली जो चाह होती है वो अगर ख़त्म हो गई थी, तो वो चाहत आपकी दोबारा से जाग सकती है किसी भी पर्सन के लिए। ये सिचुएशन बन सकती है सैजिटेरियस के लिए। ओके, तो अनदर कार्ड आपके लिए है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो वो पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर आ सकती है। वो प्रैक्टिकली वो पर्सन आपको ऑफर कर सकता है इस टाइम पर। प्रैक्टिकली मींस कि जैसे जस्ट वो कहने की बातें नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल ऑफर है। फाइव ऑफ सोर्स, तो डेफिनेटली कुछ सेल्फिश होकर सोच रहा है, या तो आप सेल्फिश होकर सोच रहे हैं या फिर वो पर्सन जस्ट अपने बारे में सोचता है। अगर वो पर्सन वापस आ भी रहा है तो वो जस्ट अपने लिए सोच रहा है इस वक्त में। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स सजिटेरियस। सो यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स के लिए वन मोर कार्ड। वन मोर कार्ड फॉर थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। सो ओके, अगर आप नई बिगनिंग चाह ही रहे हैं उस पर्सन से जिसके साथ आप रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं, तो आपको अपनी माइंड की नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकालना होगा, तो जाके आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से एंड होंगे। जो भी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है वो पूरी तरीके से एंड होगी। बट मुझे नहीं लगता कि आपका जो डे है वो अच्छा है। कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं। अगर वो पर्सन दोबारा आप किसी पर्सन से रिकनसाइल करना चाह रहे हैं या फिर कोई पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, बट आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर्सन के साथ वो एंड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हार्ट ब्रोकन सिचुएशन अभी भी चल रही है आपके और उस पर्सन के दरमियान, और इस दिन में भी ये चल सकती है। सो लेट्स सी के जस्ट ये एग्जैजरेशन है, आपको अपने माइंड को क्लियर रखना होगा, तो जाके आपका जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक बेहतर बन सकती है। बट अगर आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ, सो आपको लाइक आप दोबारा से न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस पर्सन से, तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलें, अपने नेगेटिविटी से बाहर निकलें, तो आपको ये इस रिलेशनशिप में कोई चांस मिल सकता है अगेन। या फिर आप हो सकता है कि आप पास पर्सन से रिकनसाइल ही नहीं करना चाहते और आप किसी न्यू पर्सन के लिए जो है अपना वेट कर रहे हैं। न्यू पर्सन हैज़ स्टार्ट योर फील रोमांटिक फीलिंग। हो सकता है आप किसी नए पर्सन को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और पास पर्सन से जो है वो आप जो है अपने आप को दूर रखना चाह रहे हैं सजिटेरियस। सो सजिटेरियस कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोबारा निकल के उभर के सामने आ सकता है इस डे में, तो आपको बहुत मोहतात होकर रहने की ज़रूरत है। अगर ये नया पर्सन है तो वो नया उस पर्सन के साथ आपको कमिटमेंट करने के लिए, अगर आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल दबा चुके थे लव रिलेशनशिप में और आप सिंगल हैं और आप 14 फरवरी में आप चाह रहे हैं कि दोबारा से आपके रोमांटिक फीलिंग्स दोबारा से उजागर हो जाएं किसी नए पर्सन के लिए, तो आप किसी नए पर्सन को कमिटमेंट कर रहे हैं, बट वो पर्सन सेल्फिश है और हो सकता है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो आपको या लाइक अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो ये आपको इस चीज़ को क्लियर करना है, अगर है या नहीं है तो इस चीज़ को आपको क्लियर करना होगा पहले, तो जाके आप अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकेंगे। वरना यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है वो सेल्फिशनेस पे जा रही है। अगर नया पर्सन है और पास पर्सन वापस आता है आपके पास, तो दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो निकल के आ सकते हैं सामने। सो बहुत ज़्यादा मोहतात होकर आपको इस डे को गुजारना होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर 14 फरवरी। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।